जौनपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त होने पर बरपा हंगामा। नगर निगम ने रातों रात टूटे धार्मिक स्थल का कराया निर्माण। नगर निगम के मुताबिक अनजाने में जेसीबी की चपेट में आने से हुई थी क्षति, जानबूझकर धार्मिक स्थल पर नहीं की गई कार्रवाई। कोयंबटूर में जरीकट्टू महोत्सव को लेकर छिड़ा घमासान, बुल फाइटिंग पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन। नोएडा एक्सटेंशन में एक ही दिन में एक सोसाइटी के 18 फ्लैट में चोरी, चोरों ने कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। चोरी पर सोसाइटी के लोगों ने किया प्रदर्शन, असुरक्षा का मुद्दा उठाया। पठानकोट हमले में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ, एनआईए की टीम ने एसपी के घर पर की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम ने एसपी के दोस्त राजेश वर्मा और रसोइये मदनलाल से भी की पूछताछ। एयरबेस पर हमले से पहले आतंकियों ने एसपी को बनाया था बंधक, उनके सहयोगियों को भी कब्जे में लिया था। पठानकोट हमले को लेकर बार बार बयान बदलने पर गुरदासपुर के एसपी शक के घेरे में, दोनों सहयोगी भी जांच के दायरे में। आज जांच के सिलसिले में एनआईए के डीजी शरद कुमार पहुंच रहे हैं पठानकोट। जांच के लिए एनआईए की टीम वहां पहले से मौजूद। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, जांच में मदद का दिया भरोसा। नवाज शरीफ ने कहा, आतंकवादी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जरूर होगी कार्रवाई। पठानकोट हमले को लेकर अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर बनाया दबाव, कहा उम्मीद है एयरबेस को निशाना बनाने वाले आतंकियों और आतंकी समूह पर पाकिस्तान करेगा कार्रवाई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बोले, पठानकोट हमले पर सरकार तय करेगी जवाबदेही। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक आज 10:30 बजे होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पठानकोट एयरबेस में आतंकी हमले के चौथे दिन खत्म हुआ एनकाउंटर, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा 6 आतंकी मारे गए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक 2 आतंकियों के शव मंगलवार को बरामद, डीएनए टेस्ट से जले शवों की पहचान होगी। रक्षा मंत्री ने सफल ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों को दी बधाई, बोले एनकाउंटर खत्म लेकिन बुधवार तक चलेगा कॉम्बिंग ऑपरेशन। थोड़ा चीजें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर छोड़ दीजिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करने दो। उन्होंने दे है वो ट्रैक डाउन द मेथोडोलॉजी, दे विल इन्वेस्टिगेट। रक्षा मंत्री ने कहा, आतंकियों का पाकिस्तान से होने का संदेह, एनआईए की जांच के बाद होगा खुलासा। त्रिपुरा के डीजीपी के नागराज का दावा, बांग्लादेश में है कुल 17 आतंकी कैंप, इनमें से एक कैंप ढाका में भी। हाल ही में त्रिपुरा के सीएम ने भी बांग्लादेश में आतंकी कैंप का किया दावा, कहा शेख हसीना सरकार के आतंकियों के खिलाफ सक्रियता के बावजूद जारी है कैंप। बीजेपी नेता महेश गिरी ने सुमित्रा महाजन को लिखा पत्र, राहुल गांधी पर लोकसभा में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया, जांच और उचित कार्रवाई की मांग। दिल्ली में आज ऑड इवन नंबर की गाड़ियों का दिन, ऑड इवन फॉर्मूले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई भी होगी। एक जनहित याचिका में महिलाओं और दोपहिया वाहनों को ऑड इवन फॉर्मूले से मिली छूट पर उठा सवाल, दूसरी याचिका फॉर्मूले की वैधता से है जुड़ी। पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं से जुड़े सवालों पर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा था। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर आज एनजीटी भी करेगा सुनवाई, दिसंबर में एनजीटी ने ऑड इवन फॉर्मूले पर उठाए थे सवाल। सुनवाई के दौरान एनजीटी कर सकता है मांग, दिल्ली सरकार से वायु प्रदूषण पर ताजा आंकड़े मांगे जा सकते हैं, 10 साल ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों पर भी पूछ सकता है सवाल। आज फिर गरमाएगा एमसीडी कर्मचारियों के रुके हुए वेतन और स्थायी नौकरी का मुद्दा, एमसीडी कर्मचारी सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर करेंगे प्रदर्शन। प्रदर्शन में सफाई कर्मी, नर्सें, शिक्षक और तमाम सरकारी कर्मचारी भी होंगे शामिल, सीएम आवास पर धरने के दौरान रखेंगे एक दिन का उपवास। सुप्रीम कोर्ट में आज उपहार कांड से जुड़ी पुनर्याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने अंसर बंधुओं पर 30-30 करोड़ का लगाया था जुर्माना। उपहार कांड के पीड़ित और सीबीआई की दलील, लापरवाही के लिए अंसर बंधुओं को जुर्माने के साथ सजा भी दी जाए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली आज ट्रेड यूनियन के साथ करेंगे बैठक, बजट से संबंधित सुझावों पर होगी वार्ता। आज दिल्ली में लॉन्च होगी बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी करेंगे विमोचन, सीएम नीतीश के आने की भी उम्मीद। आज तक से खास बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने आडवाणी की जमकर तारीफ की, कहा आडवाणी महान प्रधानमंत्री होते। लालकृष्ण आडवाणी सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि स्टेट्समैन है। लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री का किसी भी पद के लिए उनसे बेहतरीन उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, बिहार में जितनी सीटें मिली वो पीएम मोदी की मेहनत का नतीजा, हमने अपने पीएम को खुद फेल कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, अगर पार्टी को आडवाणी, यशवंत सिन्हा और मुरली मनोहर जोशी का मार्गदर्शन मिले तो पार्टी और सरकार दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सीधे चलते हैं आपको शहीद कैप्टन निरंजन कुमार के अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम विदाई में। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार।